फोर्थाई न्यूज, नजर हर खबर पर। सीएम भूपेश बघेल द्वारा पीएम पर किए गए चौकीदार वाले ट्वीट के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी पलटवार करते हुए अपने ट्वीट में लिखा है कि देश का चौकीदार सजग है, तभी सारे चोर भयभीत होकर अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। सालों तक देश को लूटने वाले अब चौकीदार को चोर कह रहे हैं। आज देश हित में लगे सभी देशवासी कह रहे हैं कि वो भी चौकीदार हैं। शोर मचाने वाले चोर सावधान रहें, अब पूरा देश चौकीदार है। वहीं इस ट्वीट के बाद डॉक्टर रमन सिंह से लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और मोदी के समर्थकों ने अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के नाम के आगे चौकीदार लिखना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का कटाक्ष अब भाजपा का ब्रह्मास्त्र बन गया है। चौकीदार चोर है, यह तंज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कुछ माह पूर्व से कस रहे थे। जवाब में भाजपा ने चौकीदार को ईमानदारी का प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अब भाजपा के सभी नेता एक एक कार्यकर्ता चौकीदार बन गए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी चौकीदार विशेष के बारे में ट्वीट कर रहे हैं कि बड़े ठाट बाट से रहता है, लेकिन उनका यह तर्क कितना असरकारक होगा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पूर्व में भी कांग्रेस ने जब भी मोदी पर तीखा प्रहार किया, मोदी ने उसे कांग्रेस के गले की हड्डी बना दिया। गुजरात में मौत का सौदागर से लेकर चाय वाला जैसे नाम देने पर मोदी कांग्रेस को अच्छी तरह जवाब दे चुके हैं। अब चौकीदार की सिटी क्या संदेश सुनाती है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। इस तरह की और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फोर्थ आई न्यूज। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी हर खबर सबसे पहले पहुंच सके आप तक।